हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। भाई लोग, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक के बारे में, और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बारे बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले RVNL, ठीक है, रियल विकास निगम। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पे जो ये एरो था सपोर्ट का, ये गिर डाउन होके आ चुका है इधर। ठीक है, आपको पता ही है आज हमारा मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, तो सारा चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। इससे पहले अगर आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, ग्रुप का लिंक है, जिसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना। बिल्कुल ही कम प्राइस में आपको प्राइम मिलता है, सारा स्टॉक के बारे में जानकारी मिलेगा, कौन से स्टॉक सेल करना है, बाई करना है, होल्ड करना है, सब चीज़ आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, बात कीजिए रियल विकास का, बात कर रहे थे। रियल विकास में अपना एक सपोर्ट था खड़ा, सपोर्ट तोड़ चुका है। ठीक है, सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला है वो क्यों, जबकि इसका बजट में कोई इनाम नहीं आया था रेलवे का, लेकिन सेक्टर में यहाँ पे रेलवे सेक्टर में काम आया है, देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा काम आया था, 191 करोड़ का प्रोजेक्ट आया। न्यू वर्क लाइकली टू कंप्लीटेड बाई August 31। अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी अगर रेल विकास निगम का शेयर खरीदे हैं वो शेयर को बेचना नहीं है, क्योंकि देखो आप हड़बड़ाओ नहीं, शांति से काम करो। ठीक है ना, स्टॉक एक ऐसा चीज़ है, इसमें आप जितना संयम रखोगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत सारे स्टॉक होते हैं कि मान लो डाउन है तो उसको उठना जरूरी है ना, वो उठेगा, ऐसा नहीं है कि वो उतना पे डाउन हो गया तो और डाउन होता चला जाएगा, उसको उठना है, आप लोग को संयम रखना है। अगर ये चीज़ संयम खोओगे ना आप, तो नुकसान में चल जाओगे और लॉस में आप हमेशा रहोगे, है ना। तो वहीं सेम चीज़ है IRFC का, लेकिन ये जो 182 का सपोर्ट था, 182 का सपोर्ट नहीं तोड़ा, ये एक चीज़ अच्छा है। GTL तो हमारा चला ही गया है, आपको पता ही है, GTL अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके फिर नीचे चला गया, और मैंने बताया था GTL कभी लेना नहीं, मैं ये चीज़ पहले से ही बोल रहा हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और, PNB अच्छा खासा दिया है, PNB साइज मेरे पास स्टॉक है, हाँ आई थिंक PNB का स्टॉक है मेरे पास, 62.10 रुपीज़ का प्रॉफिट भी दिया है PNB ने, 27 शेयर मैंने खरीदा है। तो यहाँ पे सारे चीज़ें स्टॉक को, सबसे पहले मिड पे जाएंगे, मिड पे आप लोग देखो PayTM भी अच्छा खासा आजकल रिटर्न दे रहा है, भाई क्या ही बात है। PayTM में सब देखो, ये कहाँ भाग गया भाई, मतलब एक वीक देखो, सबसे पहले वीक में 447 पे था, आज देखो ये 26 तारीख को जो है 509 पे चला गया है, मतलब समझ सकते हो कितना तो डाउन होने वाला PayTM। शायद आई थिंक आज हमको डाउन देखने को मिल सकता है पूरा, मतलब लेकिन मैं बता सकता हूँ शायद आपको आज डाउन देखने को मिले। टाटा टेल भी आपको देख सकते हो अभी माइनस का है 3.51 का। टाटा टेल अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। और ऑल स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो ऑल स्टॉक में देख सकते हो जो यहाँ पे प्रॉफिट का चल रहा था, ज़्यादातर तो प्रॉफिट है क्योंकि मार्केट ने कवर कर लिया है अपना जो लॉस था। SBI उठ चुका है 1.64%, उस दिन तो गिरा था, 23 तारीख को SBI भी गिरा था, देखो वीक का अगर देखा जाए तो यहाँ पे SBI गिरा था, 43 पे आया था, है ना। और जो भी अभी ये स्टॉक आप लोग खरीदते हो, जो लोग नए हैं, नए आते हैं और करते क्या हैं भाई, मैं आपको बता दूँ, नए आते हैं कोई भी जान लो ये एक स्टॉक है, ठीक है, वो लोग करते क्या हैं, आते हैं बाई पे क्लिक करते हैं, कुछ देखते नहीं है, BSE है, BSE पे बाई कर दिए, ठीक है, NSE है, NSE पे बाई कर दिए, इसका मतलब जानते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसका चप्पा जानकारी लो, ठीक है, ऐसे ही नहीं खरीद लो कि आपको कुछ पता नहीं है आके खरीद लिए और बाद में चल के नुकसान हो जाए आपका। एक रुपये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक कोई भी अगर खरीद रहे हो तो उसके बारे में जानकारी एनालिसिस करो कि ये चीज़ लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और कितना तक जाना चाहिए, है ना। तो सारा चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले देखो, जून का इसका कैपिटल छोटा मोटा है, भले ही ये स्टॉक अच्छा खासा चल रहा है लेकिन इसका जो है ना क्वार्टर फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो नए लोग होते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे बाई पे क्लिक के BSE में मतलब बॉम्बे हो गया, और NSE मतलब नेशनल हो गया, ठीक है, हम लोग को खरीदना रहेगा हमेशा, तो हम लोग खरीदेंगे नेशनल, और प्राइस जो है लिमिट पे करेंगे, मार्केट प्राइस पे नहीं करेंगे, ठीक है, ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। तो कभी भी खरीदो तो इसी तरीके से करो, है ना।
और भी बहुत सारी चीज़ें होल्डिंग है, होल्डिंग हमारा तो होता है। सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता दूँ। म्यूचुअल फंड्स में एक SIP होता है, मैंने SIP किया था। SIP मैंने 600 रुपये अभी फर्स्ट में मेरे को फिन से देना है। 14 अगस्त को मेरा 600 रुपये फिन से लगेगा। देख सकते हो अभी 18 रुपये का प्रॉफिट हमारा हो चुका है और वन डे रिटर्न में 5.49 का प्रॉफिट हुआ है ना। तो वन टाइप अच्छा चीज़ है, वन टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और अगर लेना है तो स्मॉल कैप ले लो, स्मॉल कैप में अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। एक साल में 56% ये निपोप इंडिया स्मॉल देख सकते हो। ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके से। वन टाइम भी अच्छा है और SIP अच्छा, इसमें वन टाइम नहीं है, वन टाइम इसमें है, वन टाइम इसमें देखने को मिल जाएगा है ना। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हो मिड कैप है, लार्ज कैप है और टैक्स सेविंग है। SIP विथ 100 है, मैंने SIP विथ 100 किया है, जो मैंने इस चीज़ का किया तो मैंने आपको बता ही दिया है। 2.95% का इनको बेनिफिट मिला है ना। देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा है ना। तो जो लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए बता दे आप स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान नहीं, तो मैं स्टॉक पे बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक खरीद के रखना है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए क्या होता है ना, आपके पास अमाउंट जो होता है कम होता है, तो अमाउंट कम होने के कारण स्टॉक में लगाओगे तो प्रॉफिट होगा लेकिन जितना होना चाहिए उतना ही होगा है ना। मान लो 10 रुपये लगाए, 10 रुपये का तो कम से कम कभी ऐसा लक आया तो 20 रुपये हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लेकिन टाइम लगता है ना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग एक SIP एक ऐसा चीज़ है ना, सबसे पहले 600 रुपये मान लो मंथ में आपके पास है, हर मंथ 600 रुपये आपने इकट्ठा किया, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, चलो ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने एक साल है, SIP का प्राइस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 600 रुपये आपके पास एक महीने में 600 रुपये बचाया आपने, SIP पे आपने डाल दिया है ना। तो SIP पे आपने एक मंथ का 600 रुपये डाला तो पूरे एक साल का आपने SIP लिया है तो 7200 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। हर मंथ आप 600 रुपये डालोगे तो 7200 रुपये इसमें मिलेगा, कितना तो 8755 रुपये आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे है ना दोस्तों। और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो ना, मतलब यहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हो। अगर आप कितना रुपए डाल रहे हो तो कितना मिल रहा है, 1600 डाल रहे हो तो आपको 19200 हो रहा है, इसमें से 23348 रुपये मिलेगा है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ आपको देखने को SIP में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तो सारा चीज़ आपको पता चल गया SIP। और जैसे ही ये चीज़ हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद आप उसको स्टॉक में डालो है ना। अब बात किया जाए IPO का, IPO में आप लोग देख सकते हो हम लोग को लॉट खरीदना पड़ी यहाँ पे। लॉट जैसे कि 22 का लॉट है, अगर फिन खरीदोगे तो 44 हो गया, मतलब एक लॉट में आपको 22 है तो दो लॉट में 44, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें से ये अगर अप्लाई कर सकते हो अपना देखने को मिल जाएगा है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सको सबसे पहले है ना। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे अशोक देखने को मिले और बहुत सारी चीज़ देखने को यहाँ पे तो मिल ही रहे। बैंक निफ्टी पे जाए तो बैंक निफ्टी में पे आपको HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक जो है देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आज कौन सा स्टॉक बाई करना है हम लोग को जो बेनिफिट दे। इसके लिए आप जरूर से व्हाट्सअप ग्रुप पे आना, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे ही दिया है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।